हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनातन कुमार। आप सभी को हमारे इस सनातन कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज हम नया वीडियो लाए हैं नया कंटेंट के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टेटर, इसको आज हम कंप्लीट बेंडिंग करेंगे और बेंडिंग करने के साथ साथ इसका कंप्लीट डाटा भी बताएंगे। तो आप देख सकते हैं ये फ़ैन है, संतोष कंपनी का ये फ़ैन है, टेबल फैन है, देख सकते हैं। तो और इसमें कितना नंबर का हम तार जो है कि यूज में लेंगे और कितना स्टार्टिंग में टर्न्स है, कितना रनिंग में टर्न्स है, ये टोटल चीज़ आज हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मोटर के बारे में से कुछ सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। दो चीज़, जो इसका आरपीएम होगा वो होगा 1440 आरपीएम और इसमें जो कैपेसिटर हम यूज में लेंगे वो 250 से अब 315 के बीच में लगा सकते हैं, दोनों में से कोई, ये दोनों ही चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब इस स्टेटर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटर साइज माप लेते हैं कितना है। तो आप देख सकते हैं इसका स्टेटर साइज 1 इंचिस का है, ये करीबन 2.5 सेंटीमीटर का ये स्टेटर है और इसको गोलाई में माप लेते हैं। तो गोलाई में आप देख सकते हैं ये 10.5 इंचिस के आसपास है, यानी कि 11 इंचिस भी नहीं है, 10.5 इंचिस के आसपास है ये गोलाई में। और इसको बाहर से बाहर हम माप लेते हैं, ये 9 सेंटीमीटर के आसपास है, 9 सेंटीमीटर देख सकते हैं। और इसका ओडी अंदर से देख लेते हैं, ये 4.5 सेंटीमीटर के आसपास है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको वेंडिंग करेंगे और वेंडिंग करने के साथ साथ बताएंगे कि इसमें हम कितना नंबर का तार यूज में लेने वाले हैं और कौन सा तार से हम इसको वेंडिंग करेंगे, टोटल चीज़ बताएंगे। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा स्टेटर, स्टेटर से हम ये जो आप देख रहे हैं इसका माप हम निकाल चुके हैं। 2 स्लॉट छोड़ने के बाद इसमें रिंग जो है कि डाला जाएगा, तो उसका माप हम निकाल चुके हैं। इस तरह आपको लकड़ी ले लेना है, लकड़ी से आपको 4 की लगा के इसका माप से आपको बना लेना है। उसके बाद हम यहाँ अपना मशीन में जाएंगे, आ जाने के बाद यहाँ इसको लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें वायर लपटेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि कितना तार इसमें, मतलब कितना टर्न हम इसमें लपेट रहे हैं और कितना साइज का तार इसमें हम यूज में लेंगे। तो कंटिन्यू हमारे इस वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा 34 नंबर का एल्युमिनियम तार है, 34 नंबर का एल्युमिनियम तार जिसको हम इसमें लगा चुके हैं। अब इसमें टर्न से हम देने वाले हैं, ये 34 नंबर का एल्युमिनियम तार से हम इसको वेंडिंग करने वाले हैं। तब कितना टर्न से देंगे इसमें हम आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये है रनिंग कॉयल, तो सबसे पहले हम रनिंग कॉयल को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें 700 टर्न दे चुके हैं रनिंग कॉयल में एल्युमिनियम वायर से, 34 नंबर एल्युमिनियम वायर टर्न इसका हो जाएगा 700। और ये पहला रिंग है और इसमें हम बनाएंगे, तो ये रनिंग कॉयल है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो मेरा रनिंग का कॉयल था इसको हम इंस्टॉल कर चुके हैं और इंस्टॉल प्रत्येक कॉयल में हम 700 टर्न्स दिए हैं, यानी कि 700 टर्न प्रत्येक कॉयल में दिए हैं 34 नंबर एल्युमिनियम वायर से। और हम दो कॉयल सेट करके बनाए थे, इसलिए मेरा 4 वायर जो निकला हुआ है, तो 4 वायर को हम ये दोनों को जोड़ देंगे और ये दोनों मेरा बच गया रनिंग का, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्टिंग कॉयल को भी बना लेते हैं और उसमें कितना टर्न से देंगे आपको हम दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स, से मेरा ये जो रनिंग का कॉयल था इसको हम इंस्टॉल कर चुके हैं और फिर हम बनाएंगे अभी स्टार्टिंग का कॉयल। तो वही साइज से कुछ हम छोटा कर देंगे, पहले मेरा यहाँ पर था और इस जगह पे, तो दोनों कील को उठा के हम थोड़ा सामने पर लगा दिए हैं, काहे कि मेरा स्टार्टिंग जो कॉयल है वो थोड़ा छोटा बनेंगे, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा छोटा कर लिए। अब हम चलते हैं अपना मशीन पे, वह अब हम बेंडिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उसमें कितना नंबर का तार हम यूज करते हैं और कितना टर्न से देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग जो इसका कॉयल है इसको भी हम 34 नंबर एल्युमिनियम वायर से बेंडिंग करेंगे और इसमें हम रिंग बना चुके हैं और टर्न आप देख सकते हैं 670 टर्न हम देंगे स्टार्टिंग कॉयल में। तो इसको अब हम स्लॉट में अपना डाल लेते हैं स्टेटर में, उसके बाद देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब हम स्टार्टिंग कॉयल को भी जो है कि इंस्टॉल कर चुके हैं और स्टार्टिंग कॉयल प्रत्येक जो 4 कॉयल है इसमें हम टर्न्स दिए हैं 670 टर्न्स करके दिए हैं। और ये सब जो है कि तार लूक सब है, अब हम इसका जो कनेक्शन करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस कॉयल को हम कम्प्लीटली बेंडिंग कर चुके हैं, टेस्टिंग करके भी देख लिए हैं ये
ओके है। तो इसका स्टार्टिंग रनिंग दोनों में से हम दो दो करके तार जो है कि निकाल चुके हैं। और ये रेड वाला आप देख सकते हैं, ये है रनिंग कॉइल का और ब्लैक वाला स्टार्टिंग कॉइल का। तो अब हम इसको इसमें फिटिंग करेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि पंखा कैसे चलता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कॉइल को हम अपना मोटर में जो फिटिंग कर चुके हैं ये, और कनेक्शन भी आप देख सकते हैं, एक रेड और एक ब्लैक को हम एक मेन लाइन पर जोड़ दिए, और एक रेड और एक ब्लैक जो बचा उसमें दो कैपेसिटर को लाइन पर जोड़ के और फिर हम रेड को एक लाइन दे दिए। तो इसके बाद हम इस मोटर को टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मोटर जो मेरा है ये चल रहा है, आप देख सकते हैं ये साइड चल रहा है, मतलब इस साइड घूम रहा है, इसका मतलब सही है ये मोटर इस साइड में घूम रहा है। तो इसके बाद अब हम इसको फिटिंग कर लेंगे अपने पंखे में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फाइनली इस पंखे को अब जो है कि हम फिटिंग कर चुके हैं, कॉइल वॉइल सब कुछ फिटिंग कर चुके हैं, अब इसका हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसको हम लाइन पर लगा दिए हैं, इसको स्विच दे देते हैं। तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा स्पीड दे रहा है, हवा भी बहुत अच्छा दे रहा है, अब मूविंग भी काम कर रहा है। तो ये डाटा जो है कि बहुत ही अच्छा डाटा है, इसी डाटा पे आपको बनाना है फ़ैन। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लाते रहते हैं कंपनी डाटा के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।